हाई फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिओम कंसल्टेंट्स। सो एवरीथिंग इज़ फाइन एट योर एंड। तो काफ़ी आपका अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, आपको जूम मीटिंग से काफ़ी हेल्प हो रही है टू डिस्कस योर केस, टू डिस्कस चांसेज ऑफ योर गेटिंग वीज़ा, कि आपको वीज़ा मिल सकता है नहीं मिल सकता। काफ़ी पंजाब, हरियाणा, नॉर्थ साइड, इवन तेलंगाना से हमारे बहुत क्लाइंट्स आ रहे हैं, हैदराबाद से, पाकिस्तान एंड ओवरसीज ऑस्ट्रेलिया। थैंक यू वेरी मच फॉर द वेरी गुड रिस्पॉन्स यू आर गिविंग, एंड आपको भी डेफिनेटली फ़ायदा हो रहा है जूम मीटिंग का। तो ये जो वीडियो है अगेन ऑस्ट्रेलियन विजिटर वीज़ा के ऊपर है, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, कमेंट्स में भी पूछा जाता है, ड्यूरिंग मीटिंग भी क्लाइंट्स हमारे से पूछते हैं कि हमारी रिपीटेड रिफ्यूज़ल्स आ चुकी हैं, अब हम क्या करें। सो टॉपिक इज़ हाउ रिपीटेड रिफ्यूज़ल्स अफेक्ट यूर चांसेज ऑफ गेटिंग वीज़ा। तो इस पे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे रिफ्यूज़ल कैन अफेक्ट यू। वैसे हमारा जो, मैं आपको पहले भी बताता आ रहा हूँ कि रिफ्यूज़ल से डरना नहीं है। एक बार रिफ्यूज़ल आती है सो दैट इज़ ए चांस, उसको एक चांस माने कि आपको अपना स्टेटस की क्या प्रॉब्लम है आपके प्रोफाइल में वो आपको पता लगता है। इफ़ इट इज़ वर्थ वाइल कि ओके टाइप्स आइए, अब वो भी मैं आपको बताऊँगा कब आपने फाइलिंग नहीं करनी है, ताकि अननेसेसरी रिफ्यूज़ल्स भी आती हैं जिसको हम बेसलेस रिफ्यूज़ल कहते हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इस पर हमने फुल वीडियो भी बनाया हुआ बेसलेस रिफ्यूज़ल पे, तो वो किन सर्कमस्टांसिस में आ जाती है, तो उससे वो तो बिल्कुल उसका कोई असर नहीं होता आपके ऊपर। और इवन अगर आपकी सिंगल रिफ्यूज़ल भी है तब भी आपको घबराने वाली बात नहीं है। पहली बार आपने कहीं लगाया है, किसी एजेंट से लगवाया है, तो रिफ्यूज़ल आ गया, वन टाइम रिफ्यूज़ल डजंट इफेक्ट एनीबडी, और उसके बाद कोई इशू नहीं होता, एक रिफ्यूज़ल्स का कोई नहीं है। लेकिन जब रिपीटेड रिफ्यूज़ल आती हैं दैट अफेक्ट्स यू अलॉट, वही मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि कैसे। अब देखिए, पहली बार अगर आपकी रिफ्यूज़ल आ गई है उसमें कई कारण हो सकते हैं, कि एजेंट ने अपने पैसे कमाने के लिए आपकी प्रोफाइल को ना होते हुए भी, मतलब चांसेस कम होते हुए भी वीज़ा लगा दिया, वो केस हमारे पास नहीं होता। हमने जूम मीटिंग इसलिए रखी हुई है ताकि आपको हम क्लियर कट पिक्चर बता दें कि आप यहाँ पर स्टैंड करते हो और इस स्टैंडिंग वाले बंदे का वीज़ा आ रहा है। अगर आप अकेले फाइल करेंगे या जिस सर्कमस्टांसिस में आप फाइल करना चाहते हैं तो ये रिज़ल्ट आने के चांसेस हैं, ये हम क्लियर कर देते हैं। उसके बाद हम उसका एक सोल्यूशन भी बताया जाता है कि अगर आप इस तरह से, अगर वो पॉसिबल हो, हर एक सोल्यूशन नहीं लगता, वो मैं पहले बताता हूँ, एवरीबडी इज़ डिफरेंट, एवरीबडी इज़ सर्कमस्टांसिस इज़ डिफरेंट। अब किसी का रिलेटिव ऑस्ट्रेलिया में है उसको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, किसी का नहीं है, ठीक है। अब कोई एज का फैक्टर है, किसी में गवर्नमेंट जॉब है, किसी में बिज़नेस है, किसी में ITR कम है, किसी में ITR ज़्यादा है, तो हर एक चीज़ को देख के एनालाइज़ करके ही सोल्यूशन बताया जाता है। सबसे पहले जूम मीटिंग में होता क्या है वो मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ, कि काफ़ी लोग जो ऑलरेडी जिनको नॉलेज हो जाती है तो उनको फ़ायदा होता है। हम ऐसे नहीं कहते कि आप आओ, हमारे पास ऐसे फ़ोन भी आते हैं जी हमने फाइल लगवानी है, हम हमेशा ये कहते हैं पहले आप अपना केस डिस्कस करें, आपको पता लगेगा कि क्या पिक्चर है, आपका वीज़ा आ भी सकता है कि नहीं आ सकता। हम ऐसे नहीं कहते आजो जी आजो हम लगा दें। अभी जो ऐसे चल रहा है एज ऑफ नाउ, आप कहीं भी किसी भी एजेंट के पास जाओगे, आप कहोगे मैंने फ़ाइल लगवानी है, वो कहेगा जैसी मर्जी आपकी, वो उसने कुछ नहीं पूछना आपसे, उसने कहना ये दे दो हमें पैसे, हम लगा देते हैं, आ जाएगा आपका वीज़ा। हालाँकि मालूम कागज़ देख के पता लग जाता है क्या चांस है, ठीक है, जिसने इसमें काम किया हुआ है और जो ढंग से काम कर रहा है उसको नॉलेज हो जाती है, वो हम नहीं कह रहे। लेकिन लालच भी एक चीज़ होती है ना, तो उस लालच के चक्कर में वो कहता है हाँ जी करवा देते हैं आपका, ठीक है। अब हमने जैसे रिकमेंड किया हुआ है कि यंग एप्लीकेंट्स के लिए इन्विटेशन काम नहीं करता, हमारे से कई लोग मीटिंग करके उन्होंने ट्राई मारा, हर बंदा तो यकीन नहीं करता ना, वो कहता है बोलेंगे क्या बकवास मारा है, हमारा ऑस्ट्रेलिया में रिलेटिव है। अब वही बंदे हमारे पास दोबारा आए हुए हैं कि जी हाँ जी आपने कहा था जी इनविटेशन, वो एक एजेंट ने कहा लगा लो, वो तो ऐसे ही बोलते हैं, अब हमारा रिफ्यूज़ल आ गया। तो हम ऐसे ही नहीं बोलते, हम ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस बता रहे हैं आपको, जो सिनेरियो है, जिस तरह से ऑफिसर सोचता है उसकी सोच यहाँ पर एक्सप्लेन की जाती है कि ऐसे उसने आपकी फ़ाइल देखनी है। और अब फिर मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, अगर आप यंग एप्लीकेंट हो और अगर आपने XYZ बता दिया मेरा रिलेटिव वहाँ रहता है और उसने मुझे इन्विटेशन भेजा है, तो ये कंडीशन में आपका पक्का रिफ्यूज़ल आएगा, अभी लिखवा लो, चाहे हमें दिखाओ ना दिखाओ, अगर आप यंग एप्लीकेंट हो तो, ठीक है। तो यंग एप्लीकेंट का इफेक्ट ये होता है, तो क्योंकि ये मैं रीज़न भी आपको बता देता हूँ कि अगर आप एक यंग एप्लीकेंट हो, यंग एप्लीकेंट ही वहाँ पर कन्वर्ट होते हैं स्टडी वीज़ा में,
जो बुजुर्ग आदमी है जिसका बच्चे बड़े हो गए, जवान हो गए, वो इस बातों को नहीं सोचता, उसका पर्पज़ बस मिलने का ही होता है। यंग एप्लीकेंट ही या एक फैमिली वाला बंदा ही जिसका बच्चे अभी छोटे हैं, वही ये प्लानिंग करता है भी हाँ वहाँ सेटल हो जाएँ, और सेटलमेंट का सबसे आसान तरीका यही है। वो रिकमेंड आई रिकमेंड दिस पाथवे, सबसे फास्ट है एज़ कम्पेयर टू अदर। आप वहाँ जाके स्टार्ट तो होते हो ना, PR आप फाइल करते हो यहाँ से, उसमें इतना टाइम लगता है, इट इज़ ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, नो डाउट। वो आके एट द एंड वो काफ़ी बढ़िया है, लेकिन जिसने कुछ ना कुछ मूवमेंट चाहिए, आइडल नहीं बैठना, आगे वेट का नहीं है, कुछ ना कुछ मूवमेंट चलती है, मतलब प्रोग्रेशन में जाना है, तो दिस इज़ द बेस्ट पाथवे। इवन स्टडी वीज़ा फाइल करने से भी बेस्ट पाथवे यही है कि विजिटर वीज़ा किसी ना किसी तरह लिया जाए और फिर वहाँ पे स्टडी फाइल की जाए, जब अगर इफ़ योर गोल इज़ टू सेटल डाउन इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो उस सिनेरियो में आपको बता रहा हूँ, तो एजेंट ने आपको नहीं बताना, ये जूम मीटिंग करेंगे आपको पता लगेगा, ठीक है। अब बात हो रही है रिफ्यूज़ल की, पहली रिफ्यूज़ल अगर आ जाती है तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर एक रिफ्यूज़ल आ गई उसमें उन्होंने आपको पता लगता है कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना। हमने आपको पहले ही बता देना है कि ये चक्कर है, आपका रिफ्यूज़ल आएगा, अगर आप हमारे पास आ जाते हो हम आपकी वो रिफ्यूज़ल भी बचवा देंगे कि ना आए, उन आपको मतलब सोल्यूशन देंगे अगर आप वो पॉसिबल हुआ तो। ये नहीं है कि जो हम सोल्यूशन बता रहे हैं हर एक, मैं वो आपको क्लियर बता रहा हूँ कि हर एक का सरकमस्टांस के हिसाब से, लेकिन जो हम सोल्यूशन आपको बताएंगे इट वर्क्स 90%, इट वर्क्स। 10% आपकी किस्मत ही ख़राब है तो चला ही नहीं, वो अलग बात है। 90-95% जो हम सोल्यूशन बताते हैं उससे वीज़ा आ जाता है, ठीक है जी। बट सरकमस्टांस देख के ही पता लगता है, ऐसे हम किसी के लिए यहाँ पर तभी इस पर वीडियो नहीं बनता, नहीं तो मैं सोल्यूशंस पे वीडियो भी बना देता कि ये सोल्यूशन कर लो तो ये बन जाएगा, वो मैं नहीं बना सकता क्योंकि हर एक पे एक चीज़ फिट नहीं होती, ठीक है ना। वो आपकी प्रोफाइल देख के आपके हिसाब से सोल्यूशन बनता है, ठीक है ना। जैसे डॉक्टर हर एक की दवाई कॉमन नहीं होती ना, हर एक का मर्ज़ पकड़ के उसकी सिचुएशन देख के ही दवाई दी जाती है, किसी को आधी गोली काम करती है, किसी को पूरी गोली काम करती है, किसी के लिए गोली ही बदलनी पड़ती है, गेटिंग माई पॉइंट। तो वही चीज़ वीज़ा में है, आपके सारे सरकमस्टांस देख के ही वी कैन टेल यू द पॉसिबल सोल्यूशन जो मैक्सिमम काम कर सकता है आपके केस में टू गेट द वीज़ा। तो ये आप पॉइंट समझें, तो एक रिफ्यूज़ल अगर आती है तो आप घबराएं मत, उस एक रिफ्यूज़ल से आपकी जो ऑफिस एम्बेसी में इमेज है वो ऐसे नहीं है कि ख़राब होगी। उसके बाद हम थोड़े दिनों बाद जब आप नए तरह से वीज़ा लगाएंगे जिस जो आपके लिए बेस्ट पॉसिबल है वो हम आपको मीटिंग में बताएंगे, तो दैट विल वर्क। और अगर सेम चीज़ पे अगर आपको कोई एजेंट कहता है आपका जो रिफ्यूज़ल आ गया वो जो बेकार ऑफिसर होना है तुम दोबारा फाइल कर दो और वधिया ऑफिसर आऊगा थोड़ा वीज़ा आ जाऊगा, तो दैट अप्रोच इज़ टोटली रॉन्ग। उससे क्या होगा, अगर आपने कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं की, जो एज इट इज़ आपकी प्रोफाइल है उसी पे आपने दोबारा सेम पर्पज़ के लिए, अभी मैंने पहले भी टूरिज्म करना था अभी भी टूरिज्म के लिए दोबारा लगा दी ये सोच के कि अब ऑफिसर दूसरा होगा और हमें मिल जाएगा, तब आपको कभी भी वीज़ा नहीं मिलेगा। दूसरी रिफ्यूज़ल, तीसरी रिफ्यूज़ल, आप चार चार रिफ्यूज़ल ले लोगे जब तक आप, या दो चीज़ों पे वीज़ा मिलता है हम हमेशा बोलते हैं, पहली चीज़ है आपकी इनकम के ऊपर, व्हाट यू आर अर्निंग एट प्रेजेंट। नंबर टू सिचुएशन इज आपके सरकमस्टांस, इन विच सरकमस्टांसिस यू आर आस्किंग वीज़ा, ठीक है। तो इन चीज़ों से ही वीज़ा, अब पहली इनकम तो एकदम नहीं बढ़ा सकते ना बंदे की हम, अब जिस बंदे का 5 लाख का ITR है वो हमारे पास आया है, उसकी हम ये तो नहीं कहेंगे कि आप आगे बढ़ा लो ITR फिर फाइल करो, वो बढ़ाएगा भी तब भी नहीं आएगा। तो उसका हमें सरकमस्टांस मॉड्यूलेट करना पड़ेगा उसकी सिचुएशन के हिसाब से। तो वही चीज़ें हम जूम मीटिंग में डिस्कस करके सारे चीज़ें देख के बताते हैं, अगर पॉसिबल होता है तभी बोलते हैं कि ये करेंगे तो इतना परसेंट चांस आपका बढ़ जाएगा। एंड उसके बाद भी हम डिसीजन कस्टमर क्लाइंट पे छोड़ते हैं, अगर उसको कन्विंस होता है वो हाँ इस बात में दम है, उसको समझ आती है, तब वो फाइलिंग करता है और उसको फ़ायदा भी होता है, ठीक है। तो कभी भी आप रिपीटेड रिफ्यूज़ल्स के चक्कर में मत पड़ें, वो आपकी धज्जियाँ उड़ा देगी प्रोफाइल। उसके बाद कोई सोल्यूशन अलग से भी आप करोगे भी ना वो भी वर्कआउट नहीं करेगा जब मल्टीपल रिफ्यूज़ल्स एक जैसी हो जाती हैं, भाई ये तो बंदा पीछे पड़ गया इसके में कुछ दाल में काला है, ऐसे सोचते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ अगर रिफ्यूज़ल आ गई है तो हमारे से कंसल्ट कर लें, जूम मीटिंग है 590 रुपये लगते हैं, इट इज़ नॉट अ बिग डील, कोई हम बहुत पैसे नहीं मांग रहे आपसे, 500 रुपये तो यूँ ख़त्म हो जाते हैं आज की डेट में, ठीक है। अब कई लोगों का हमने कमेंट्स पढ़े हुए हैं, हमारे बता रहे थे स्टाफ कि कोई लिख रहा था, नेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं कि ये तो 500 कहते हैं जी, 590 रुपये मांगते हैं जी, 90 रुपीज़ मोदी साहब के हैं, GST भी लगता है, हमारी रजिस्टर्ड फर्म है, GST नंबर है हमारे पास,
तो हम जब 500 चार्ज करेंगे 18% सर्विस चार्ज लगता है 90 रुपये, इसलिए 590 रुपीज़ इज़ द चार्ज। हमने 500 ही लेने हैं, 90 रुपये मोदी साहब के, ठीक है। वो क्लैरिफाई हम कर रहे हैं क्योंकि वैसे वही कीप ऑन रेगुलेटिंग। हमारा एक स्टाफ सिर्फ कमेंट्स को ही देखता है, नो डाउट कि कोई ऐसा एंटी एलिमेंट भी आते हैं, जेलिस फैक्टर भी होता है, दूसरे एजेंट्स भी भेजते हैं, नो डाउट, तो वो हम मॉनिटर करते रहते हैं। तो ये एक क्वेश्चन इंक्वायरी आई थी तो मैंने आपको आंसर कर दिया, ठीक है जी। तो रिपीटेड रिफ्यूज़ल नहीं करवानी, अगर आपकी एक रिफ्यूज़ल आ गई उसे डरना नहीं और रिपीटेड रिफ्यूज़ल्स करवानी नहीं, ये आप मॉरल है इस वीडियो का। सिंगल रिफ्यूज़ल नो प्रॉब्लम, मल्टीपल रिफ्यूज़ल्स बिग प्रॉब्लम, ठीक है। जब भी रिफ्यूज़ल आए सेम सिनेरियो में, सेम सरकमस्टांस में, सेम स्ट्रीम में कभी भी दोबारा फाइल नहीं करना। ये आप पत्थर की लकीर समझ लो, ये हर एक पे एप्लीकेबल है। किसी भी आपकी सिचुएशन में कोई भी वीज़ा आपका अगर रिफ्यूज़ल आ गया एक बार, तो सेम डॉक्यूमेंट्स में जितना मर्जी ऑफिसर आपका एजेंट बोल ले, आपने फाइल नहीं करना जब तक आप उसमें कुछ मॉड्यूलेशन नहीं करते हो। या तो सरकमस्टांस मॉड्यूलेट करें या अपनी इनकम मॉड्यूलेट कुछ ना कुछ उसमें, या स्ट्रीम चेंज करें, तो इन चीज़ों में ही आपका फिर चांस बढ़ सकता है। अगर एज इट इज़ लगा दोगे तो पक्का रिफ्यूज़ल की भी लाइन लग जाएगी। और फिर जब ऐसे लाइनों वाला बंदा आता है ना, तो दे डोंट सी कि आप क्यों वीज़ा ले रहे हो, वो कहते हैं तो वही बंदा है, ठीक है ना। तो होप मैसेज इज़ क्लियर। रिपीटेड रिफ्यूज़ल आप नहीं लेनी, एक रिफ्यूज़ल के बाद आप डिस्कस करें हमारे साथ कि नंबर फ्लैश हो रहे हैं एंड यू विल गेट द आंसर एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट टू गेट द वीज़ा, ठीक है। थैंक यू।